ठीक है जी। नेक्स्ट तो कहता है जो ब्लॉक आपने बनाना है या तो ब्लॉक डेटा ब्लॉक बनेगा टेबल की बेस पे। आपको पता है कि व्यू पे भी डीएमएल होती है, क्यूरी होता है, इसलिए टेबल व्यू पे आप ब्लॉक बना सकते हैं। दूसरा है स्टोर प्रोसीजर की बेस पे। तो ये एडवांस फॉर्म लेवल पे है, तो जो हमारा बेसिक्स है वो क्या है, टेबल या व्यू पे बनाना। तो यहाँ पे आप ब्राउज करें क्योंकि कनेक्ट आप ऑलरेडी हैं डेटाबेस के साथ, तो वो टेबल सारे इसके आ गए। हमें चाहिए एम का टेबल, ओके। ये उसकी सारी फील्ड्स आ गई, मुझे सारी फील्ड चाहिए, मुझे जो ये यहाँ कॉलम पे लाएंगे टेबल पे, और यहाँ पे क्या लाएंगे डेटाबेस आइटम्स के लाएंगे। ठीक है, ये देखें कि अवेलेबल कॉलम है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, एम नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, जॉब चाहिए, और मुझे एम जी आर देनी चाहिए, मुझे हाई डेट सैल अपार्टमेंट नंबर ये चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, एम जी आर छोड़ दी। नेक्स्ट जो टेलर का नाम वही आपने ब्लॉक में चेंज भी कर सकते हैं। आप कह रहा है कि खाली ब्लॉक बनाऊँ, जस्ट क्रिएट ब्लॉक ब्लॉक के आगे मुझे कैनवस यानी कि लेआउट का विजिट भी चलाना है, लेआउट का। तो मैंने कहा कि मुझे आकर लेआउट भी चलाना है, फिनिश। तो यहाँ से आपने क्या चूज किया, न्यू कैनवस, नया कैनवस है। आगे कैनवस की टाइप्स अभी क्या है, या पूरा अभी चैप्टर आएगा, कॉन्टेंट स्टैक वर्टिकल टूल बार क्या है, बायफॉर्म क्या जा रहा है, कॉन्टेंट जा रहा है, कॉन्टेंट जाने दें। ठीक है, ये वो अवेलेबल इस ब्लॉक की आइटम्स हैं। अब उसको क्या बनाना है, फॉर्म पे जो डिस्प्ले करानी है, डिस्प्ले आइटम। तो यहाँ पे फॉर्म कर इधर भी हम सकते हाइड कर हैं, सकते हैं। यहाँ से भी आप ब्लॉक में आपने लिए हैं 7 फीट, इधर आप यहाँ 5 ले रहे हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है, किस सिनेरियो में हो सकते हैं? बाद में हम ब्लॉक पे आ गई हैं, तो बाद में कैंडल से दोबारा ला सकते हैं एक आइटम, जब फॉर्म को दोबारा उसी ब्लॉक पे रिमॉडिफाई वर्क, करेंगे। ब्लॉक पे वर्क हाँ करना जी, ये ब्लॉक स्टोर की तरह होगा। हाँ, ये ब्लॉक किस जगह पे स्टोर होगा, फॉर्म पे ये इधर ही स्टोर होगा, मतलब इधर ही। जो इसका अपना, हाँ ये देखिए ना, यहाँ ब्लॉक बन गया हुआ पीछे। अब अभी हम ये कैनवस बन रहा है, ये जो अभी चल रहा है वो चल रहा है कैनवस का, ब्लॉक बन चुका है उसकी आइटम है, ठीक है। साइन जो कर रहा है ये इसको सेव करेगा ना, फाइल, एक फाइल बनेगी, ठीक है। जैसे एक एक्सेल की फाइल बनती है, जैसे एक फाइल बनेगी, इसमें सब चीजें ब्लॉक कैनवस सब स्टोर होगा। अच्छा, ये यहाँ पे कह रहा है जो लेबल्स, इसका लेबल आपको चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ और विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि सैलरी क्या कर दें, सैलरी कर दें इसका लेबल, ठीक है। आगे एक फॉर्म होता है, एक टेबुलर होता है। फॉर्म में क्या होता है, एक वक्त में एक ज्यादा रिकॉर्ड एंटर हो सकते हैं। फॉर्म में क्या होता है, एक वक्त में एक रिकॉर्ड एंटर होगा, जैसे ये एमएज है, ये वो, यहाँ पर चूज कर लेते हैं टेबुलर, एक वक्त में ज्यादा। फ्रेम का टाइटल दे देते हैं एम्प्लॉयज यानी कि टाइटल। फिर एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड के दरमियान में डिस्टेंस, एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर्स में, किसमें? ये सेंटीमीटर्स, ये मैं मुझे आपको दिखा देता हूँ डिफॉल्ट किसमें होगा। अच्छा, इसमें जो है कितने रिकॉर्ड एट टाइम आपको दिखाने हैं, वैसे टेबल में 14 रिकॉर्ड है, मैं एट टाइम 5 दिखाता हूँ, और बकाया रिमेनिंग रिकॉर्ड देने के लिए स्कोर भी बाद में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बार एक बार दे रहा है आपको, फिनिश। एंड ये आपका डेटा एंट्री फॉर्म बन गया, ठीक है। इसको आप सेव कर दें, ठीक है। सेव आपने ऐसे फोल्डर में करना जिस फोल्डर के नेम में स्पेस ना हो, जैसे आप फोल्डर सेव कर देते हैं डेस्कटॉप में, फाइल सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग में, इन फोल्डर्स के नामों में क्या आ रही, बीच में स्पेसेस आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है फॉर्म्स का, ई ड्राइव पे, फॉर्म्स ठीक है। यहाँ पे हम एम न्यू के नाम से फॉर्म बना दिए, ठीक है। सेव, ये फॉर्म कहाँ सेव हुआ, फाइल में जाके सेव एज फॉर्म के फोल्डर में, पहले भी ये फाइलें में गूगल लेक्चर्स की फाइलें पड़ी हुई, ठीक है। एम अंडरस्कोर न्यू, ठीक है, ये फॉर्म आपका बन गया। अब इस फॉर्म को आपने चलाना है क्लाइंट के लिए, यानी कि क्लाइंट ने इसको यूज करना है डेटा एंट्री के लिए। जब ये फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में चलना है इंटरनेट एक्सप्लोर में, कहाँ चलना है, इंटरनेट एक्सप्लोर में चलना है। अच्छा, थोड़ा सा हम जावा का अगर हम कॉन्सेप्ट ले लें, जावा जो है, जावा आपको पता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे अभी हमने कोई भी जावा का एक भी काम नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया है, क्लिक क्लिक से हमारा डेटा एंट्री फॉर्म बन गया। लेकिन जब ये फॉर्म चलेगा ना, वेब पे चलेगा, तो एक जावा का एप्लेट होगा, जावा एप्लेट। जावा एप्लेट क्या है कि एक जावा का प्रोग्राम होता है जो क्लाइंट साइड पे चलता है, एक लाइट सा प्रोग्राम होता है जो एक
कह लें कि पूरी एक विंडो होती जिसमें ये जो आपने फॉर्म बनाया ना ऐसे पूरी विंडो को आपको बना के देगा जावा एप्लेट, लेकिन जावा एप्लेट कौन करता है जनरेट? सर्वलेट। सर्वलेट क्या है कि ये एक सर्वर साइट पे एक प्रोग्राम होता है, यानी कि ये सर्वलेट कहां इंस्टॉल होता है? एप्लीकेशन सर्वर जो मिडिल टायर, आपको पता है कि 3 टायर होते हैं ना, ये आपका डीबी हो गया, ये आपका एप्लीकेशन सर्वर हो गया, ये आपका क्लाइंट हो गया, ठीक है। जो सर्वलेट होता है वो इसके अंदर होता है। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है इस एप्लीकेशन सर्वर को, कहता है कि मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, तो वो किसके पास भेजता है? एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर जो है वो कॉन्टेक्ट करता है सर्वलेट से। सर्वलेट एक प्रोग्राम है जावा, यानी कि जावा साइट पे, जो कि क्या करता है कि क्लाइंट को जावा एप्लेट जनरेट करके देता है। कौन करता है जनरेट? सर्वलेट। ये सर्वलेट का काम है। यहीं पे आपका, क्योंकि जो ब्राउजर होता है ना, फॉर्म इसका मतलब हमारे पास इधर स्टोर होता है, इधर स्टोर होंगे। जो आपका क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट, वो क्लाइंट जो है उसके पास तो यहाँ कुछ नहीं होता सिवाय ब्राउजर के, एक्सप्लोर के। वो खाली रिक्वेस्ट भेजेगा। अब फॉर्म ने रन कहाँ होना है, उस फॉर्म कहाँ पड़ा है, वो सारी एग्जीक्यूशन कहाँ होनी है? सर्वलेट पे। सर्वलेट ने क्या करना है कि आपको जनरेट करके देना है जावा एप्लेट, ठीक है। फिर ये तो आपका सर्वलेट जो जावा एप्लेट जनरेट जो है करके देगा, उसके बाद जब क्लाइंट फॉर्म खुल जाएगा, अब क्लाइंट क्या करेगा, उस फॉर्म में डेटा एंट्री करेगा, मॉडिफाई करेगा, देखेगा, तो ये दोबारा जाएगा अब इसके पास, एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से कॉन्टेक्ट करेगा, जो भी डेटाबेस में एक्टिविटी करनी है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या सिलेक्ट करना है, वो सारे काम इसके थ्रू, यानी कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा इसके साथ, बीच में मिडिल टायर हो, जो आप कह रहे हैं हमने पढ़ना एप्लीकेशन सर्वर, ये वो काम है इसका पूरा, ठीक हो गया। तो फॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए वो भी एक नई कहानी चलती है। हाँ जी, वो भी एक नई कहानी। ये आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, जैसे एमसीबी बैंक है, वहां पे आपका चल रहा है ये वाला सिस्टम, वहां पे DB10G है, एप्लीकेशन सर्वर है, क्लाइंट्स है, वहां पे एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है 10G का। तो जब तक ये सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ तो क्लाइंट आपकी डेड, डीबी बेस स्टार्ट है आपकी, क्योंकि सारा कुछ तो यहाँ पड़ा हुआ है, फॉर्म रिपोर्टें सपोर्टें जो उनकी एग्जीक्यूशन है वो सारी कहाँ पे होनी? एप्लीकेशन सर्वर पे होनी, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर में क्या पड़ा हुआ है? सर्वलेट पड़ा हुआ है। इसमें एक और भी सर्विस होती है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनता है और आगे पास ऑन करता है इस सर्वलेट पे, ये सारी गेम चलती है। अब चूंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टेस्टिंग सर्वलेट दिया हुआ है, टेस्टिंग इसके साथ ही डेवलपर सूट के साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। उसे बोलते हैं OC4J, ओरेकल कंटेनर फॉर जावा, ओरेकल कंटेनर फॉर जावा, यानी कि आप इसको एप्लीकेशन सर्वर कह सकते हैं, टेस्टिंग एप्लीकेशन सर्वर जो इसके साथ इंटर मशीन में होता है। हाँ, वो ये जब हम डेवलपर सूट करते हैं इसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन ये एक सर्विस होती है, इसको स्टार्ट करेंगे तब ये कंटेनर स्टार्ट होगा जो कि जावा एप्लीकेशन बनाएगा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपने कहाँ जाना है? स्टार्ट प्रोग्राम्स, जहां डेवलपर सूट इंस्टॉल्ड है, फॉर्म बिल्डर में हम गए थे। फॉर्म बिल्डर में देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि स्टार्ट OC4J इंस्टेंट एंड शट डाउन OC4J इंस्टेंट। जब तक आपको फॉर्म रन करने, क्लाइंट ने यूज करने टेस्टिंग पर्पज के लिए, तो ये सर्विस स्टार्ट रहनी चाहिए, इसको बंद नहीं करना है। ये एक सर्विस आपकी, जब वहां पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा, आपको नजर आएगा यहाँ पे, कि जिसका मतलब हुआ कि आपका OC4J स्टार्टेड है। ये देखिए इनिशियलाइज़र है, यहाँ पे क्या भी रहा है, ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर कंटेनर, ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर कंटेनर फॉर जावा, ठीक हो गया 10G। तो ये इसको बंद नहीं करना, उसके बाद कुछ एडिट में जाकर सेटिंग करनी है, प्रेफरेंस में जाना है। यहाँ पे आपको रन टाइम पे ये आपको फील्ड है, ब्लैंक्स मिलेंगी, ये भी ब्लैंक मिलेगा, ये भी आपको जो है ब्लैंक मिलेंगी फील्ड्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट शुरू में यहां से आपने कहना रीसेट, वो खुद ही यहाँ पे उसका पाथ जो है मशीन नेम आ गया और कंप्यूटर नेम आ गया, ठीक है। पोर्ट के साथ है, हाँ पोर्ट के साथ है। देखिए यहाँ पे उसने खुद ही, मैंने कुछ भी नहीं किया, जब आप रीसेट टू डिफॉल्ट करेंगे तो वो मशीन का नेम, उसकी पोर्ट 8889 आगे सर्वलेट का पाथ है ये इसका, जिसने आपको एप्लेट जनरेट करके देना है, ठीक है। और ये जावा का है, ये हाँ बिल्कुल ये वहां, ठीक है। तो सर ये जावा का इंजन है ये क्या है? सिर्फ एक क्या ये जो एप्लेट है, ये एप्लेट और सर्वलेट दोनों बेसिकली एक ही चीज है, ये इसका टूल है? नहीं नहीं, ये उसकी ये एक कंपोनेंट है, सर्विस है,
जो कि जनरेट करेगा जावा एप्लेट, इसने जनरेट करना है, ये चलना है क्लाइंट पे, ठीक है ठीक है, ये चलना है क्लाइंट पे, जैसे आप कह ये सर्वर पे होगा, हाँ सर्वर पे, जैसे एक होती है ना जावास्क्रिप्टिंग जीएसपी होती है जो डायनामिक वेब पे जनरेट करती है, इसी तरह अब जैसे मिसाल के तौर पे आप जियो की साइट पे चले जाते हैं, वहां पे कुछ आस पास एमएच स्टैटिक होंगे, जो अंदर न्यूज है वो हर दो मिनट के बाद क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, तो वो क्या है कि वो सर्वर से जो है डायनामिक एस्टीमेट जनरेट क्लाइंट पे हो रही है, जो क्लाइंट देखिए, तो इसी तरह ये सर्वर का काम क्या है कि ये क्लाइंट के लिए जो एप्लीकेशन मांगे उसका एप्लेट बना के देगा क्लाइंट को, ठीक है, ये क्लाइंट पे चल रहा है, ये आपका एप्लीकेशन सर्वर पे चल रहा है, रिक्वेस्ट क्लाइंट इससे करेगा इस टूल से, नहीं रिक्वेस्ट तो ब्राउजर होगा ना, यहाँ पे लिखेगा HTTP, ठीक है, रिक्वेस्ट लिखी यहाँ पे, जब रिक्वेस्ट लिखिएगा ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास HTTP सर्विस के पास, HTTP सर्वर कॉन्टेक्ट करेगा सर्वर के साथ, सर्वर क्या करेगा जो उसने मांगा है यहाँ पे इस सर्विस के थ्रू यहाँ पे वो उसका एप्लेट जनरेटर क्लाइंट को दे देगा, क्लाइंट पे ये उसकी एप्लेट खुल जाएगी, वही खुलेगा। अब चूंकि ये जावा एप्लेट है ना, ठीक है, यहाँ पे अब क्लाइंट में जो खुला है ब्राउजर में खुलेगा, तो यहाँ पे आपको पता है कि आप इस मशीन पर कितने ब्राउजर इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपरा है, इंटरनेट एक्सप्लोर है, बहुत सारे मार्केट में एक्सप्लोर, तो आप वो उसको डिफॉल्ट वाला बता दें तो बेहतर है ताकि उसको ढूंढने में परेशानी ना हो, तो यहाँ पे आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में और इंटरनेट एक्सप्लोर यहाँ पे चले जाएं, इंटरनेट एक्सप्लोर और यहाँ पे आई एक्सप्लोर, ठीक है, ये मैंने पाथ दे दिया iexplorer.exe, ठीक है, ओके, अब आपका ये भी स्टार्ट है सर्वलेट जिसने ये एप्लेट बनाना है, अब मैं जब रन करूंगा तो आप देखिएगा कि क्या एक्टिविटी होती है क्लाइंट साइड पे, देखें रन अ फॉर्म। अच्छा एक और बात जो कि चले मैं अभी आप देख लें, ये देखें वर्किंग कर रहा है, अभी आपके सामने यहां पे आएगा लोडिंग एप्लेट, क्योंकि जब लोडिंग एप्लेट से पहले इसका मतलब है कि सर्वलेट ने इसको दे दिया, ये देखें जावा लोडिंग एप्लेट, ये एप्लेट जो भी जनरेट कर रहा किसने दिया है, सर्वलेट ने दिया है, एप्लीकेशन सर्वर जी जो चल रही है उसे व्हाट इज इट, तो इसमें ऑथेंटिकेशन का इशू को नहीं आ सकता, एक काम लाइक कौन कौन कनेक्ट हुआ है, वो डीबी से किसान लिंक होता होगा, वो बात है, अभी तो हम जो हमारा अभी कनेक्शन जो स्टेटस था वही आया ना सामने, ठीक है ठीक है, अभी हम स्कॉर से लॉग इन थे, स्कॉर से ये देखें ये एप्लेट है, ये जो ब्राउजर के अंदर खुला हुआ है ना ये एप्लेट है, ये एप्लेट किसने बना के दिया है, सर्वलेट। अच्छा सर्वलेट ने जब ये एप्लेट बना के दिया कि जावा का प्रोग्राम है ना, तो जावा का प्रोग्राम को रन करने के लिए क्लाइंट साइड में क्या होती है JVM या JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी कि एप्लेट को रन करने के लिए क्लाइंट पे जावा रन टाइम इंस्टॉल होगा तो एप्लेट चलेगा ना, ठीक है, तो इसके लिए विंडो हर एक्सप्लोर में आजकल अपना आ रहा है JRE, लेकिन ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप विंडो वाला यूज ना करें, बाय डिफॉल्ट अगर किसी विंडो पे एक्सप्लोर पे फर्स्ट टाइम भी अगर ये एप्लेट चलता है ना तो वहां पे उसे JRE चाहिए होता है, तो वो विंडो का डिफॉल्ट JRE नहीं उठाता, वो कहता है कि एक प्रोग्राम इंस्टॉल करो, उसे बोलते हैं ओरेकल जे इनिशिएटर, अगर मैं इसको किसी और साइड पे लाता हूं, अगर मेरा कंप्यूटर लैन पे है, एक और लैपटॉप है, मैं वहां पे सेस करता हूं और आपके लैपटॉप में बिल्कुल कोई पहले ये फॉर्म नहीं चला होगा, तो वो आप में ढूंढेगा JRE और JRE विंडो का डिफॉल्ट नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेगा जावा ओरेकल का JRE, इसको बोलते हैं ओरेकल जे इनिशिएटर, तो पहले वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आप ओरेकल जे इनिशिएटर इंस्टॉल्ड करो, तो जब ओरेकल जे इनिशिएटर इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपका फॉर्म उस पर रन होगा, तो ओरेकल जे इनिशिएटर ये इंस्टॉल हुआ होगा, ये देखो ये आइकन बता रहा है आपको जावा कंसोल, ये ओरेकल जे इनिशिएटर जो इंस्टॉल्ड है इस वक्त, ठीक है, ये सारा ये जो उसने लोड किया ना एप्लेट, ये बेसिकली वो सारा पाथ बता रहा है कि ये उसने चार फाइल जिसके अंदर सारी जावा की इस एप्लेट की सारी फाइलें जिप हुई भी क्लाइंट को भेजता है, और वो फाइलें कहाँ रखता है बाय डिफॉल्ट, आपका जो क्लाइंट का डॉक्यूमेंट सेटिंग विंडो होता है ना फोल्डर, क्लाइंट का डॉक्यूमेंट सेटिंग विंडो यहाँ पे एक फोल्डर होगा ओरेकल जार कैशे, ये फोल्डर फर्स्ट टाइम खुद क्रिएट करता है, और इसमें देखें उसने वो ये फाइलें डाउनलोड की हैं, ये सारी एप्लेट की फाइलें,
ये सारी फाइलें किसने बनाई हैं? सर्वलेट। तो आपको समझ आ रहा है कि सर्वलेट क्या है बेसिकली? एक जावा का प्रोग्राम है, एक कंटेनर है, ओरेकल कंटेनर है, जिसका काम क्या है? एप्लेट जनरेट करके देना। याद रखें सर्वलेट जो होते हैं वो सर्वर साइड पे होते हैं, और जो एप्लेट होते हैं वो क्लाइंट साइड पे होते हैं। और एप्लेट जो जनरेट करते हैं वो कौन करते हैं? सर्वलेट। ये जो आपने दिखाया अभी, ये सर्वलेट ने जनरेट किया हुआ है लेकिन ये पड़ा हुआ क्लाइंट पे है। हाँ क्लाइंट, बिल्कुल। एक दो मशीनें हो तो ये फाइलें क्लाइंट पे पड़ी होंगी। एग्जैक्टली, क्लाइंट पे जो ही बनेगी, ठीक है। और जब ये फर्स्ट टाइम, अभी तो फर्स्ट टाइम ये डाउनलोड करेगा ना, जब नेक्स्ट टाइम वही क्लाइंट दोबारा चलाएगा, क्योंकि ये जार फाइल ऑलरेडी पड़ी होंगी, तो वो दोबारा ये जार फाइल दोबारा जनरेट नहीं करेगा, वही रीयूज हो जाएगी। यानी कि ये नहीं कि क्लाइंट हर दफा एप्लेट मांगेगा। अगर एक दफा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दे दी, एप्लेट डाउनलोड कर लिया, फॉर्म चेंज ना, हां अंडर फॉर्म चेंज ना, वो का मैकेनिज्म होगा उसका, फॉर्म चेंज वो उसका टाइम स्टैम्प का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका।